दोस्तों, अभी तो लंबे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ काम से मैं बिजी हूँ, लेकिन मैं द ग्रे मैन देख लिया हूँ। चलिए बात करते हैं मुझे द ग्रे मैन कैसा लगा। एक दो लाइन में ही मैं आपको बता दूंगा द ग्रे मैन कैसा है। देखिए, इस मूवी में कोई भी स्टोरी नहीं है, जो भी स्टोरी है उसे हम स्टोरी नहीं कहेंगे क्योंकि इस टाइप का स्टोरी हम बहुत सारे मूवीज में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो स्टोरी में कुछ भी नयापन नहीं है। दूसरा चीज़ ये है, रायन गोसलिंग अपने कैरेक्टर में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठे हैं। वो जो भी एक्शन किए हैं वो इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं लगा है। स्क्रीन पे रायन गोसलिंग एक्शन तो करते रहते हैं लेकिन एक्शन उनका एक्शन जैसा फील नहीं आ रहा था। लेकिन धनुष जब एंट्री मारते हैं उनका एक्शन ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, रायन गोसलिंग से भी ज़्यादा मुझे धनुष का एक्शन अच्छा लगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, धनुष का 5-6 मिनट के लिए ही रोल है, ज़्यादा उनका रोल नहीं है। बात करें क्रिश इवान की, तो उन्होंने बढ़िया एक्टिंग की है, उनका परफॉर्मेंस मुझे बढ़िया लगा। बात करें वो जेम्स बॉन्ड वाली लड़की की, तो उन्होंने भी अपने रोल को ठीक ठाक तरीके से निभाए हैं, उनका एक्शन ज़्यादा अच्छा था, रायन गोसलिंग से ज़्यादा अच्छा था। तो कुल मिला के इस मूवी का जो लीड एक्टर है वो ठीक नहीं है और इस मूवी में कोई भी स्टोरी नहीं है, लेकिन एक्शन इस मूवी को बचा सकता था। लेकिन क्योंकि हीरो इफेक्टिव एक्शन नहीं कर पाया, एनर्जेटिक एक्शन नहीं कर पाया, इसीलिए ये एक्शन देखने में भी मज़ा नहीं आता है। एक्सट्रैक्शन मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ एनर्जेटिक एक्शन किए थे, इसीलिए वो मूवी में स्टोरी ना होने के बावजूद भी वो मूवी अच्छा लगा था, लेकिन ये मूवी अच्छा नहीं लगा। तो कुल मिला के ये एक डिसअपॉइंट है और रुसव उधर से ये एक डिसअपॉइंट आया है। धन्यवाद दोस्तों।